ओबीएस कहानी नंबर 10। परमात्मा ने मिस्र देश बीच 10 खतरनाक महामारियां भेजिया। परमात्मा ने मूसा और हारूना के चेतावनी दी थी कि फिरौन जिद्दी हुई जाना। जब सो फिरौन आगे गए तो तिना ने बोलिया, इजराइल और परमात्मा ये बोलो है मेरे लोका के जाने दे। पर फिरौन ने तिनारी गल नहीं सुनी और फिरौन ने इजराइल लोका का आजाद करने के बजाय सो और भी ज्यादा मुश्किल काम करने खातर मजबूर करते। फिरौन इजरायली लोका के आजाद करने ते लगातार इनकार करता रहा। इस खातर परमात्मा ने मिस्र देशा बीच 10 खतरनाक महामारियां भेजिया। इन्हां महामारियां के जरिए परमात्मा ने फिरौन के दिखाया कि हूँ तंदे और मिस्र देशा के देवतिया ते कितना ज्यादा शक्तिशाली है। परमात्मा ने नील नदी का पानी खूना बीच बदलता, पर फिरौन ने ते भी इजरायली लोग जाने नहीं दिते। परमात्मा ने पूरे मिस्र देशा बीच मेंढक भेजे। फिरौन ने मेंढक के दूर करने खातर मूसा के बिनती की। जब फिरौन ने देखा कि सारे मेंढक मर गए तो तिने अपना मन और भी ज्यादा कठोर कर लिया और इजरायली लोग मिस्र देश विच ते निकलने नहीं दिते। इस खातर परमात्मा ने मिस्र देश विच छोटी छोटी काटने वाली माखेरी मुसीबत भेजी और तेथे बाद इन्हें खून चूसने वाली माखेरी मुसीबत भेजी। फिरौन ने मूसा और हारून बुलाए और तिना के बोलिया कि अगर तुसे ये मुसीबत दूर करती तो मैं इजरायली लोग मिस्र देश विच ते आजाद करी देने। जब मूसा ने परमात्मा के प्रार्थना की तो परमात्मा ने मिस्र देशा बीच खून चूसने वाली माखेरी मुसीबत दूर करती, पर फिर उन्होंने अपना मन फिर कठोर कर लिया और तिने इजराइली लोग जाने नहीं दिते। तेथे बाद परमात्मा ने मिस्री लोग करे सारे पालतू जानवर बीमार करते और मर जाने दिते, पर फिर उन्होंने मन तेवे भी कठोर रहा और तिने इजराइली लोग जाने नहीं दिते। तेवे परमात्मा ने मूसा के बोलिया कि माटिया बीच राख मलाई के तिजके फिर उन्होंने सामने हवा बीच उड़ा। जब मूसा ने एड़ा किया तो मिस्री लोग करे शरीर पांदे पीड़दायक फोड़े निकलने लगे, पर इजरायली लोग के कुछ भी नहीं हुआ। परमात्मा ने फिरौन का मन कठोर करता और फिरौन ने इजरायली लोग जाने नहीं दिते। तेथे बाद परमात्मा ने ओले बरसाए और मिस्री लोग करी सारी फसल नष्ट करती और जो कोई बारे निकलया परमात्मा ने से खत्म करता। फिरौन ने मूसा और हारून बुलाए और तिना के बोलिया, मैं पाप करी रखा, तुसे इजरायली लोग मिस्र देशा बीच ते जाई सको है। तेवे मूसा ने परमात्मा के प्रार्थना की और एकदम आसमान ते ओले बरसने बंद हो गए। पर फिरौन ने फिर दोबारा पाप किया और तिने अपना मन फिर कठोर कर ला और इजरायली लोग जाने नहीं दिते। तेवे परमात्मा ने पूरे मिस्र देशा बीच टिड्डियां की मुसीबत भेजी। इन्हां टिड्डियां ने से सारी फसल खाई थी जो ओलिया ने नष्ट नहीं की थी। फिर परमात्मा ने मिस्र देशा बीच 3 दिन तक नेरा करता। ये नेरा इतना खतरनाक था कि मिस्री लोग अपने घर से बाहर नहीं निकली सके, पर जेते इजरायली लोग रहो थे तेती रोशनी थी। इन 9 महामारियों के बाद भी फिरौन ने इजरायली लोग जाने नहीं दिते, क्योंकि फिरौन ने परमात्मा की गल नहीं सुनी। इस खातर परमात्मा ने मिस्र देशा बीच एक आखिरी महामारी भेजने की योजना बनाई जिथे फिरौन का मन बदलेगा।